एक जरूरतमंद के लिए हर घर से अगर एक हाथ बढ़े तो मुझे लगता है कि ये मुश्किलें जो है वो थोड़ी कम हो सकेंगी। मैं पल्लवी सिन्हा, अध्यक्ष नव अस्तित्व फाउंडेशन। नव अस्तित्व फाउंडेशन की शुरुआत मैंने और मेरी दोस्त अमृता ने 2012 में किया, और जिस मुद्दे पे हमने अपना काम शुरू किया, सैनिटरी नैपकिन, द वेरी वर्ड, ये वर्ड ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसके बारे में लोग सुनकर इतना कतराते थे। तो हमने धीरे धीरे उनसे इस विषय पर बात करना शुरू किया। क्या बताओ कि मतलब दे यूज टू हेजिटेट, मतलब इतने शर्माती थी इस टॉपिक पर। और देन एंड देन वी डिसाइडेड कि हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पर ही फोकस करेंगे, और इस तरह से हमारी सैनिटरी नैपकिन की जर्नी स्टार्ट हुई। गरीब महिलाओं जो नीडी है, नॉट एवरीबडी बट द वन हु इज नीडी, हम उनके लिए बेसिकली हम उनको उनका अस्तित्व दिलाना चाहते थे, और इस तरह से हमें ये प्रेरणा। इनिशियली हमने स्लम्स की महिलाओं और बच्चियों पर अपना काम शुरू किया, उन्हीं पर फोकस किया, और हमारा इनिशियल जो हमारा काम था वो बेसिक लिटरेसी और उनके हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज। और स्लम्स में जब हमने इस टॉपिक पर बात करना शुरू किया तो महिलाएं मतलब इस कदर शर्माती और अपना चेहरा छुपा लेती कि जैसे उनके शादी में भी इतना वो नहीं शर्माती थी, और वो ऐसा कहती कि मैडम इस टॉप ऐसे मुद्दों पर भी बात किया जाता है, ये भी कोई बात करने की चीज़ है। तो यहीं से मतलब ट्रबलसम जर्नी जिसको आप कहेंगे कि बहुत वक्त लगा हमें उन्हें समझाने में, मोटिवेट करने में कि सैनिटरी नैपकिन या फिर जो कपड़े जो मेंस्ट्रुएशन में वो इस्तेमाल करती हैं, जो गंदे कपड़े, नॉट कपड़े मतलब वो मतलब बहुत ही मतलब हालत ख़राब जो भी कपड़े इस्तेमाल करती, काफ़ी गंदा होता, और उसको उनको ये समझाना कि जो वो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इट्स नॉट करेक्ट, वो ना करें, मतलब इट वॉज़ रियली अ बिग चैलेंज फॉर अस। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा जो मतलब लगभग 12 काउंसलिंग हम उनके साथ कर रहे हैं, जो जितने भी स्लम्स एरिया हैं पटना के, पटना एंड सबर्ब्स एरिया में जा करके हम वो कर रहे हैं, वहाँ पे उनको काउंसिल करते हैं। लगभग 200 मतलब उन स्लम की 200 महिलाओं बच्चियों को हम काउंसलिंग दे रहे हैं, मेडिकल कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, और नैपकिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पैड देना ही हमारा मकसद नहीं है, बेसिकली जब हम जाते हैं तो हमारा फुल फ्लेजेड हमारा एक पूरा किट होता है हमारे साथ, इस तरह से उन्हें डिस्प्ले भी करते हैं, यूज करना बताते हैं, और क्या गलत है क्या सही है ये सब चीज़ों की जानकारी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देते हुए उन्हें कन्विंस कर। मैं ये नहीं कहती कि ये खत्म हो जाएंगी, उसके लिए हमारी सरकार जागरूक है, लेकिन हाँ ये चीज़ें कम ज़रूर होंगी अगर हर आदमी सोचे कि अपने मेड है, अपने वॉशर मैन है या वुमेन है, जो भी आपके घर में है, आपके स्वीपर हैं, आप अपने एक मदद के हाथ उनके लिए ज़रूर बढ़ाएं।